अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। डूबते जहाज की सवारी कोई नहीं करना चाहता, वह भी तब जबकि मेरठ के ऋषभ एकेडमी में कोई हिसाब किताब न हो। मैनेजर व प्रधानाचार्य जेल में हो, बच्चों की फीस कैश में ली जा रही हो, समाज के अजय जैन जबरन वहां मैनेजर का कामकाज कागजों से बाहर देख रहे हो, CBSE ने मान्यता रद्द करने का नोटिस दे रखा हो, कैंट बोर्ड ने अवैध निर्माण गिराने का नोटिस, ऐसे में आज वाइस प्रिंसिपल राजबाला जैन ने भी अपना इस्तीफा CBSE को भेज दिया। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट .tv। आपको याद दिला दें कि 5 दिन पूर्व ही फर्स्ट बाइट ने मेरठ के वेस्ट एंड रोड स्थित ऋषभ एकेडमी के भीतर चल रहे घोटाले दर घोटाले की पोल खोलकर समाज के सामने रख दी थी। मेरठ कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने जिन 15 लोगों की कमेटी एकेडमी के संचालन के लिए बनवाई थी उनमें से अधिकांश अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। बाद में खुद विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल, सदर पुलिस, ACM आदि इस कमेटी को औचित्यहीन बता चुके हैं। बावजूद इसके अजय जैन एकेडमी के सर्वेसर्वा बने हुए हैं। किस अधिकार से, यह खुद अजय जैन को भी नहीं पता, लेकिन उनका लठ धूल में बराबर चल रहा है और पूजा भी जा रहा है। यह सब हो रहा है लेकिन शिक्षा विभाग आंख पर पट्टी बांधे हुए है। CBSE द्वारा मान्यता खत्म करने का नोटिस जारी होने के बाद करीब 1000 बच्चों के भविष्य पर जरूर तलवार लटक गई है। इस नोटिस का जवाब 1 माह के भीतर दिया जाना है, जबकि जवाब देने में अब गिनती के दिन शेष हैं। CBSE के मुताबिक एकेडमी में जो अनियमितताएं हैं उनका जवाब मैनेजर व प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर से ही दिया जाना है, लेकिन गबन व सबूत नष्ट करने के आरोप में दोनों ही जेल में हैं। फर्स्ट बाइट के खुलासे के बाद एकेडमी व घोटाले में लिप्त लोगों में दहशत का माहौल है। कई लोगों ने एकेडमी आना बंद कर दिया है। वहीं आज वाइस प्रिंसिपल राजबाला जैन ने अपना इस्तीफा CBSE को भेज दिया है। राजबाला जैन ने लिखा है कि संचालक रंजीत जैन व प्रधानाचार्य याचना भारद्वाज की गिरफ्तारी के बाद बच्चों के हित में वह 7 अप्रैल से कार्यभाग प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं। वह खुद प्रशासन व अन्य को एकेडमी में प्रशासक या प्रधानाचार्य नियुक्त करने का आग्रह कर चुकी हैं। छात्रों से ली जा रही कैश फीस से उनका कोई सरोकार नहीं है। राजबाला का यह भी कहना है कि एकेडमी का माहौल बद से बदतर हो चुका है, यहाँ प्रबंध समिति भी नहीं है, ऐसे में यहाँ सांस लेना भी दूभर हो गया है। छात्रों के हित में वह काम कर रही थी, लेकिन अब इन अवांछनीय हालात के चलते वह तत्काल प्रभाव से इस पद से इस्तीफा दे रही हैं। वाइस प्रिंसिपल राजबाला जैन के इस्तीफे का असर यह हुआ कि आज बड़ी संख्या में टीचर जोधामल सर्राफ के संचालक व पूर्व ट्रस्टी राजेंद्र जैन से मिली। विचार विमर्श जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।